सामने देखिए दीवार पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मर्दाना ताकत प्राप्त करें, मिले हर सोमवार को डॉक्टर राजा से, और रजिस्टर्ड डॉक्टर है ये। जरा सोचिए, देश में अनेकों प्रकार का समस्या है और दीवारों पे ये सब लिखना भी एक देश का सबसे बड़ा समस्या है। देश का जनसंख्या 135 करोड़ हो गया है, लेकिन ये लोग लिखते हैं निसंतान स्त्री पुरुष दोनों मिले डॉक्टर राजा, ढाका रोड मोतिहारी। और देश के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, कमजोर रोगी मिले हर सोमवार को डॉक्टर राजा मोतिहारी। तो इनका जो है प्रचार जो है निःशुल्क होते रहता है। ये जमीन मालिक को नहीं पता होगा, उनसे परमिशन नहीं लिए होंगे, सरकार ने नहीं बोला है कि ये आलतू फालतू चीज़ें लिखें। ये हर जगह कहीं कहीं लिखा रहता है सेक्स रोगी मिले, और ये लोग ऐसा ऐसा दवा देते हैं जिसके वजह से बलात्कार की भी घटनाएं जो है देश में बढ़ जाती है। मैं एकदम जेन्युइन बात बोल रहा हूं। और डॉक्टर राजा जी अगर मर्दाना ताकत प्राप्त कराने वाले डॉक्टर हैं, तो इनसे मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान को मर्दाना बना के ये दिखा दे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी दवा से कोई आदमी जो है वो मर्दाना बनता है, कि वो जन्म से मर्दाना बनता है? और इस प्रकार का हर एक जगह पे और बहुत फर्जीवाड़ा होता है देश में, बहुत ज़्यादा। और इतना गंदा गंदा तरीके से दीवारों पे लिखा हुआ रहता है ना, आप अगर ट्रेन में बैठ जाएंगे तो ट्रेन की खिड़की से अगर बाहर देखेंगे तो दो तीन चीज़ ही दिखता है। या तो आपको जंगल झाड़ दिखेगा, या तो रेलवे स्टेशन दिखेगा, या तो खाली जगहों पर ये सब चीज़ें दिखेगा, यही सब चीज़ें। इमरान खान भी कमज़ोर रोगी है पाकिस्तान का, उसको क्या आप ताकतवर बना देंगे? हिम्मत है आपके अंदर? आप अपना दवा लेके आइए, हम इमरान खान को खिला के टेस्ट करते हैं कि वो ताकतवर बनता है कि नहीं। कहियो नहीं बनेगा वो, और आप लोगों का दवा से कुछ नहीं होने वाला है। ये मर्दाना ताकत प्राप्त करे, कैसे मर्दाना ताकत प्राप्त हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? सेक्स रोगी मिले, स्वप्न दोष रोगी मिले, मतलब क्या है ये सब? ये सार्वजनिक जगहों पे आप लोग लिखवाते हो, कहाँ से, किस सरकार ने आपको परमिशन दिया है ये सब चीज़ें सार्वजनिक जगहों पे लिखवाने का? और आप लोगों का दवा ले के जो है, इस्तेमाल करके जो है ना, लोग बलात्कार को अंजाम देते हैं। 135 करोड़ जनसंख्या हो गया है इनका दवा खा खा के, अब क्या ये क्या करेंगे? देश में जनसंख्या एक अपने आप में समस्या है, और उससे बड़ा समस्या जो है इस प्रकार का प्रचार करने वाले डॉक्टर हैं। परमिशन लेके प्रचार करें कोई दिक्कत नहीं है, बिना परमिशन का कहीं भी किसी भी दीवार पर रंगाई पुताई करवा देते हैं ये लोग। तो कार्रवाई होना चाहिए, जो परमिशन लेके कर रहा है वो परमिशन का डेट लिखे दीवार पे कि हमने इतना तारीख से इतना तारीख तक का परमिशन लिया है, क्योंकि लाइफ टाइम तो परमिशन नहीं मिलता है। ये लोग जब रात में लोग सोए रहते हैं ना, तब ये लिखा जाता है, तभी। देखिए इस दीवार पे क्या लिखा हुआ है। इस दीवार पे लिखा हुआ है सेक्स रोगी मिले सोमवार को डॉक्टर राजा से, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ढाका रोड मोतिहारी पे। एक दीवार पे लिखवाए हैं ये, जिसका जमीन होगा, जिसका दीवार होगा, उसको नहीं पता होगा कि डॉक्टर साहब कब परमिशन लेके लिखवा दिए हैं। ये हाईवे है, वहाँ से लोगों को डायरेक्ट जो है इस पे नज़र पड़े, इसका भी ये लोग व्यवस्था करते हैं। अब ज़रा सोचिए, पहले इनसे पूछने वाला है कि सेक्स रोगी को ये लोग कैसे ठीक करते हैं, और सेक्स रोगी होता क्या है? सेक्स रोगी के इलाज के नाम पर ये सभी झोला छाप डॉक्टर जो हैं, इतना उल्टा सीधा दवा देते हैं लोगों को कि लोग उस दवा का सेवन करने के बाद जो है ना, बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है, और उसके वजह से देश में जो है ना, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि भी होती है। कौन सा केमिकल फार्मूला से ये लोग सेक्स रोगी को ठीक करते हैं? कौन सा केमिकल फार्मूला से ये लोग लोगों को मर्दाना बनाते हैं? कौन सा केमिकल फार्मूला से निसंतान को संतान प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गुप्त रोगी मिले सोमवार को। अरे तुम लोग बता दो पहले, गुप्त रोग होता क्या है? और जब रोगे गुप्त है तो गुप्त रोग का इलाज तुम लोग कैसे करोगे? एक नाम दे दिया गया है झूठ मूठ का कि गुप्त रोग है, गुप्त रोग है, नहीं बता सकते हैं, गुप्त रोग है। और उस गुप्त रोग के नाम पे जो है इन लोगों का ठगी चालू है। कुछ नहीं होता है, इन सब रोगों का दवा हुआ नहीं बनता है, ये सब सिर्फ फर्जीवाड़ा होता है। एक गुप्त रोगी मिले, आपको बता देंगे कि आपका ये कमी है, वो कमी है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, ये दवा ले लो। उसके बाद से बता देंगे कि आप तो सेक्स रोगी हैं, आप हमसे सोमवार को मिलिए, ये दवा ले लीजिए। अरे आप में तो मर्दानगी का कमी है, आप मर्दाना हैं ही नहीं, हमारा दवा ले लीजिए, मर्दाना बन जाइए। तो गुप्त रोग का अगर इलाज करना है तो पहले इमरान खान के गुप्त रोग का इलाज करके दिखाओ। अगर मर्दाना किसी को बनाना है तो पहले इमरान खान को मर्दाना बना के दिखाओ। और सेक्स रोगी का इलाज करना है तो पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो इमरान खान वाला है ना, उसका इलाज करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम लोग डॉक्टर हो।
भारत सरकार और भारत के लोगों ध्यान से देखो इन सभी दीवालों पे क्या लिखा हुआ है। स्वप्न दोष रोगी मिले, रुकावट व जोश रोगी मिले, सेहत व जवानी प्राप्त करे, गुप्त रोगी मिले, इधर लिखा हुआ है सेक्स रोगी मिले, उधर लिखा हुआ है मर्दाना ताकत प्राप्त करे, उधर लिखा हुआ है निसंतान रोगी मिले, उधर लिखा हुआ है कि लिकोरिया रोगी मिले। यानी ये डॉक्टर साहब इतने बड़े डॉक्टर हैं कि सारे बीमारियों का इलाज करते हैं, तो भारत सरकार आप किसको किसको भारत रत्न दे देते हैं? एक टुकड़ा लेके आइए ना भारत रत्न का, और सारा बीमारी का इलाज करने वाले इस डॉक्टर को जो है भारत रत्न से सम्मानित कीजिए। जो आदमी को मर्दाना बना देता है, लिखा हुआ मर्दाना ताकत प्राप्त करे, जो बूढ़ा आदमी में सेहत व जवानी भर देता है, देखिए सामने लिखा हुआ है, जो रुकावट व जोश भर देता है लोगों में, देखिए वहां पे लिखा हुआ है, स्वप्न दोष रोगी का भी इलाज करता है, सेक्स रोगी का भी इलाज करता है, और जिसके पास बच्चा नहीं है उसको बच्चा भी प्राप्त करवा देता है ये डॉक्टर। देख लीजिए आप, देखिए हर जगह लिखा हुआ है। और साथ में सबसे बड़ा बीमारी जो ऑलरेडी गुप्त है, यानी गुप्त रोग, अब पता नहीं ये गुप्त रोग होता क्या है और कितना गुप्त होता है, उसका भी इलाज जो है ना ये डॉक्टर साहब करते हैं सोमवार को। देश में अनेकों प्रकार की समस्या है और उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है ये गुप्त रोग का इलाज करने वाले वैद्य हैं। देखिए यहाँ पे दीवार पे क्या लिखा हुआ है, गुप्त रोगी मिले शुक्रवार शनिवार, और वैद्य महोदय का नाम भी लिखा हुआ है वैद्य NK, मतलब कि इन्होंने अपने नाम को भी गुप्त रखा है, पूरा नाम जो है नहीं बताया है। और यहाँ पे खड़ा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अक्सर चौक चौराहे पे आप देखते होंगे कि इस प्रकार का रंगाई पुताई पेंटिंग हो जाता है, और जहाँ पे लिखा रहता है सेक्स रोगी मिले, गुप्त रोगी मिले, फलाना रोगी मिले, ढिकाना रोगी मिले। अब जरा सोचिए कि ये एक रोड है, और रोड से जब लड़कियाँ गुजरती होंगी तो वो क्या सोचती होंगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ कि यहाँ पे जिधर भी नज़र चला जाए उधर ये गुप्त रोगी के गुप्त डॉक्टर है। जरा देखिए इन सभी दीवालों पे भी गुप्त रोगी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सामने सिद्ध पतन डॉक्टर शेख हापुड़ हवाई अड्डा मेरठ, इनका भी डॉक्टर वैद्य NK का भी एड्रेस दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लावड़ रोड दौराल, इनका एड्रेस भी ऐसे जगह पे है कि जुबान फिसलेगा तो जगह का माँ बहन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और सामने देखिए, सामने लिखा हुआ है गुप्त रोगी मिले डॉक्टर आयुष, और उनका नंबर दिया हुआ है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम पदम सिंह है सर। अच्छा चाचा, आप यहाँ पे बैठते हैं और सामने जो है गुप्त रोगी के, वहाँ पे सिद्ध पतन के, सामने इस साइड जो है दीवार पे आप देखिएगा सेक्स रोगी के डॉक्टर जो है बैठे हुए हैं। ये लोग खुले में अपना प्रचार कराते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये बहुत गलत, इसका समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है इससे। हाँ। ये बहुत गलत है, ये बंद होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये देश जो है बहुत एक शर्म वाला और अच्छा देश है, और महापुरुषों ने यहाँ पे बहुत त्याग करा, और ये गंदगी, ये भी बड़े महापुरुष हैं, ये बहुत गंदगी फैला रहे हैं। ये महापुरुष नहीं है, दुष्ट पुरुष है, ये दुष्ट पुरुष है ना। हाँ जी, ये अच्छा अच्छा अच्छा, इस प्रकार का प्रचार होना चाहिए सड़कों पे? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो बहुत गंदा काम है ये जो इन्होंने कर रखा है। ये तो मुल्लाओं ने बिल्कुल नाश कर दिया इस मामले का। ये मुल्ले करते हैं काम को, सेक्स बढ़ाना, ये करना, वो करना, है कुछ नहीं इनके पास में। ये तो बेकूफ बनाना है, और लोंडियों को जो है ना बेचारियों को वो करना है इनको बस। अच्छा, ये बताइए कि इनका दवा लेने के बाद जो है रेप की घटनाओं में इजाफा? आप सही कह रहे हैं सर, ऐसा है, ऐसा होता है, जो जैसा आप बता रहे हैं ऐसा होता है, होता है ना, ऐसा होता है, और बच्चों पे आने वाली जो हमारी नस्ल है उन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और इस पे ध्यान नहीं जाता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन ध्यान जाना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? पेपर तक में भी देते हैं ऐड, पेपर तक में भी ऐड देते हैं। ये छोटा होना, बड़ा होना, ऐसा होना, इंद्रियों का शीघ्र पतन, ये पेपर में भी आता है लिखा हुआ। बदतमीजी का काम लिखते हैं ये। हाँ, पेपर में लिखते, ये है दवाई लो, ऐसा होगा, वैसा होगा, सेक्स होगा, दो घंटे का सेक्स होगा, इसमें ये भी लिखते हैं ये लोग। इन लोगों ने गंद मचा के रखा, गंद फैला रखा, ये गंद अच्छा नहीं है। ये समाज में कुरीतियाँ फैलती हैं, अच्छी रीति नहीं है, कुरीति है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए इन पे, जो सेक्स की तरीके की, इस तरीके की खुला पर वो करते हैं, प्रदूषण है एक तरीके का ये भी, ये गंदगी का प्रदूषण है, मानसिक का प्रदूषण होता है इससे, मानसिकता का। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मदन पाल। क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब गलत है,
ऐसा विज्ञापन नहीं लिखना चाहिए दीवारों पर, क्योंकि जो ये बात है ये तो ऊपर वाले की देन है कि कोई किसी को संतान होती है किसी को नहीं होती, ये सब भगवान की देन है। ये दीवारों पर ना लिखो कि हमें ऐसे रोगी मिले या ये करे वो करे। क्या नाम हुआ चाचा? सतबीर जी। अच्छा, ये सब लिखा हुआ मिलता है, कैसा लगता है आपको? गलत लगता है जी। गलत लगता है? हाँ जी। चलिए ठीक है, आप लोग अगर गुप्त रोग के डॉक्टर हैं तो गुप्त ही रहे और अपना क्लिनिक चलाएं, सड़कों पे गंदगी ना फैलाएं। हाँ। बड़ी मुश्किल से ये गुप्त रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर एनके जी मिले हैं हमें, और मैं अभी उनके क्लिनिक पे आ चुका हूँ। ताला लगा हुआ है गुप्त तरीके से, आप देख सकते हैं। सिर्फ दो दिन मिलते हैं, शुक्रवार और शनिवार को। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेदिक दवा खाना। और एनके जी जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, दुनिया का अद्भुत रजिस्ट्रेशन नंबर है 7483। 4 डिजिट का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। और ये डॉक्टर साहब इतने गुप्त हैं कि इनका सारा काम गुप्त है, क्योंकि ये गुप्त रोगी के विशेषज्ञ वैद्य हैं। अब यहाँ पे आएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये डॉक्टर साहब जो है किस प्रकार से लोगों का इलाज करते हैं। हर शुक्रवार शनिवार को यहीं पे लोग आके मिलते हैं, और कुछ लोग गाली भी दे के जाते हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इन्होंने किसी के भी दीवार पे ये रंगाई पुताई करवा रखा है। सही है कि नहीं चाचा? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे गाली देते हैं? आते हैं, कुछ लोग आते हैं गाली दे के चले जाए, किसने पुतवा रखा है ये। मतलब इन्होंने अपना नाम जो है किसी के दीवार पे पुतवा दिया है? हाँ, ऐसे कर रखा, कभी कभी किसी किसी दुकानों पे पुतवा रखा है दीवारों पे। आपका? मोहम्मद यासीन। देखिए बहुत सीरियस टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है कोई MBBS डॉक्टर नहीं होते, ये झोला छाप डॉक्टर होते हैं और गलत दवा दे देते हैं। और गलत दवा का सेवन करने के बाद ये लोग कहते हैं 2 घंटा तक घोड़ा, 3 घंटा तक, 4 घंटे तक, और उसका सेवन करने के बाद जो है रेप की घटनाएं भी बढ़ती है। अच्छा, आप इनको कितने दिन से जान रहे हैं और क्या? करीब 2 महीने से। 2 महीने से ये आते हैं यहाँ पे किस चीज़ से? बस से आते हैं जी। बस से आते हैं? बड़ोद से आते हैं बस से। बस से आते हैं और सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं? हाँ, शुक्रवार और शनिवार। बाकी सब दिन पता नहीं जी। दवा का प्रैक्टिकल करते होंगे शायद से, हफ्ते में 5 दिन खुद पे प्रैक्टिकल करते होंगे और 2 दिन आके जो है ना समाज में गंध फैलाते होंगे। क्या नाम हुआ आपका? खुशी राम जी। अच्छा ये बताइए, वैद्य साहब से कभी आप मिले हैं? हाँ जी मिले हैं। मिले हैं? अच्छा, ये क्या चीज़ का दवा देते हैं भाई? ये इस चीज़ का तो पता नहीं, यहीं बैठे रहे हम तो, यहीं बैठे रहे जी। हाँ, इस चीज़ का नहीं पता किस चीज़ की दवा दे। नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद यासीन। अच्छा, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हम तो विरोध कर रहे हैं भाई, तू बैठे तो रोजाना बैठा के, तू हफ्ते में 2 ही दिन क्यों आके बैठे? 2 ही दिन आके बैठे। हाँ जी। अच्छा चाचा, ये सब जो दीवारों पे लिखा जाता है वो बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए जी? क्या नाम हुआ आपका? मोनू है जी। अच्छा मोनू जी, कभी वैद्य साहब से मिले हैं? नहीं जी नहीं मिले। कहाँ नहीं मिले भाई? तो बंद सी रहे जी आदमी। अच्छा, शुक्रवार शनिवार को तो आते हैं? हाँ जी। उस दिन टाइम नहीं मिल पाता जी, थोड़ा मैं इधर आने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के जितने भी वैद्य हैं इस देश में, उनका धंधा बंद होना चाहिए, और वरना इन्हें धंधा करना है तो चुपचाप धंधा करें, सड़कों को गंदा ना करें, दीवालों को गंदा ना करें, और दीवालों पे उल्टा सीधा लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसके वजह से जो है ना जाने किस चौराहे पे कौन सी लड़की किस की शिकार हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग बताओ कि इस प्रकार का जितना भी वैद्य है जो सड़कों पे गंदी गंदी बातें लिखता है, सेक्स रोगी मिले, गुप्त रोगी मिले, शीघ्र पतन के रोगी मिले, वो बंद होना चाहिए कि नहीं बंद हो जाए? बंद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। पड़ता है प्रभाव, गलत पड़ता है। जरा सोचिए कि अगर इस दीवार पे लिखा हुआ है गंदी सी बात को, और ये भाई साहब अपने परिवार वालों के साथ गुजर रहे हैं, ये चचा अपने परिवार वालों के साथ गुजर रहे हैं, ये अपने परिवार वालों के साथ गुजर रहे हैं, ये लोग अपने परिवार वालों के साथ गुजर रहे हैं, तो कितना गंदा गलत लगता है ना? हाँ। लेकिन अक्सर आप किसी भी चौराहे पे चले जाएंगे तो ये सारे वैद्य जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 7483 के जो है ना वैद्य, वो आपको मिल जाएंगे। और
और ये जो है अपना जो प्रमोशन कराते हैं, ये इन्हीं लोगों में से भाई साहब लोगों ने बताया था मुझे कि बहुत सारे लोग जो है गाली दे के चले जाते हैं यहाँ पे कि हमारे दीवार पे ये शीघ्र पतन गुप्त रोगी क्यों लिख के गया है, सही है कि नहीं है? गुप्ता जी ये बताओगे जी? अच्छा, गुप्ता जी से भी पूछेंगे। क्या बोल रहे थे आप? मुझे कॉल ले रहे थे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये वैद्य के बारे में यहाँ पे लोग क्या बोल के जाते हैं ये बताओ। यहाँ पे एक बंदा आया तो किसी के घर पे पहुंच जाए होंगे, नो वैद्य रोगी से मिले और वो यहाँ के, वो हमें यहाँ गाली दे रहा, नो यो कहाँ है, जो हफ्ते में आवे दो दिन है, जो ध्यान से लिखड़ता है नियर, यही बैठा रहा भीतर ही। अब बस वो यहाँ गाली गुप्पड़ करके चला गया बिना परमिशन का, ये उसके दीवार पे लिखवा दिया। हाँ, कि गुप्त रोगी मिले। हाँ, तो ये रोगी मिले क्या? रात को लिखे जी, दिन में ना लिख दे। हाँ, रात को लिखे दो रात को, और यहाँ भी, यहाँ तो सुबह तो मिटवा दिया था भैया ने। तो ये यहाँ पे आप लोग इतना बढ़िया बिजनेस करते हैं, आप लोग सभी लोग बढ़िया बिजनेस आप लोगों का दिख रहा है, और दीवालों पे ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, क्या अच्छा लगता है गुप्ता जी? मैं बताऊँगा जी, इस बारे में तो जी सरकार जान सके, हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, जो ठीक लगा सरकार वो करे, या नहीं सरकार ने अनुमति दे रखी सोच समझ के दे रखी होगी? सरकार ने अनुमति नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी। अगर सरकार ने अनुमति दी होती तो रात के अंधेरे में ये अपना पुताई का कार्यक्रम नहीं करते। रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहा है, सारी डिटेल आ जाती है, ये देखो। खतौली में है ना कि मेन ब्रांच जो है खतौली है ना कि? मेन ब्रांच खतौली है। वहाँ पे किस किस दिन? लिखे हुए चोपले भैया ने की। हाँ हाँ, ऐसे ही है। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इन्होंने गलत लिख के रखा है, देख सकते हैं, नाम भी इनका गुप्त है, डॉक्टर भी गुप्त रोगी हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इन्होंने आधा गुप्त कर दिया है। तो इस प्रकार के गुप्त डॉक्टरों का गुप्त तरीके से बढ़िया से इलाज होना चाहिए, और सरकार इन लोगों पे कार्रवाई करे। एक तो देश में जनसंख्या ऐसे भी 135 करोड़ हो गया है, और इनके दवा से 235 करोड़ हो जाएगा तो और समस्या हो जाएगा, सही है कि नहीं है? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बात है बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग हंस रहे हैं लेकिन मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो क्या सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। ये तो 135 करोड़ में 35 करोड़ तो ऐसे ऐसे वैध जनसंख्या बढ़ा दिए हैं जी, अपना दवा दे दे के। बिल्कुल जी, फिर तो 400 भी हो जाएगी जी, ऐसे वैध अगर बढ़ते गए जी, फिर तो 300 भी हो जाएगी जी।